हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी त्योहार का सीजन स्टार्ट हो गया है तो आज हम कुछ मीठा बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे कलाकंद की रेसिपी। तो आप देख सकते हैं कितना दानेदार बना है और कितना सॉफ्ट है। तो आज हम इसी कलाकंद को घर पे बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसा। और इसे हम सिर्फ दो से तीन चीज़ों से बनाएंगे और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। हलवाई से भी बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप घर पे ही बनाना इसे चाहेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें मैंने लिया है 1 लीटर दूध। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम का दूध यूज़ किया है, आप कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से उबाल लेंगे और आप देख सकते हैं इसमें उबाल अच्छे से आ गई है। और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये आधा ना हो जाए। अच्छे से हमें इसे गाढ़ा करना है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गाढ़ा होने देना है और बीच बीच में आप इसे ऐसे चलाते रहिए ताकि ये नीचे से ना चिपके। इसे हम अच्छे से उबलने देते हैं। दूध को जल्दी गाढ़ा करने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे पनीर। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर का यूज़ किया है। इससे हमारा कलाकंद जो है वो बहुत ही दानेदार बनेगा और दूध भी जल्दी से गाढ़ा होगा। तो इसे हम अच्छे से फिर छोटे छोटे पीसेस में जो है वो कट कर लेंगे। अगर आप पनीर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप दूध ही अच्छे से गाढ़ा कर ले और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के उसे अच्छे से दानेदार बनाएं। तो यहाँ पे मैंने पनीर को अच्छे से बारीक टुकड़े कर लिए हैं और इसके बाद हम इसे डालेंगे मिक्सर जार में और इसे हमें हल्का सा पीस लेना है। इसे ज़्यादा बारीक ना करें, इसे सिर्फ थोड़ा सा ही हमें पीस लेना है ताकि ये बिल्कुल दानेदार जैसा बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और एकदम ये दानेदार बन गया है। तो इससे बहुत ही अच्छे से हेल्प होगी दूध को गाढ़ा करने में और एकदम दानेदार बनाने में। तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि दूध जो है वो आधा अच्छे से हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे अभी चीनी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आधा कप चीनी। आप चीनी की जगह मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से गाढ़ा होने दे। चीनी डालने के बाद दूध जो है वो थोड़ा सा पतला होता है चीनी मेल्ट होते ही। तो इसे हम अच्छे से अभी 2-3 मिनट के लिए और पकने देते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि अच्छे से गाढ़ा थोड़ा सा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा पनीर जो हमने ग्राइंड करके रखा है। और पनीर डालते ही हमें गैस का फ्लेम जो है वो हाई करना है और इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना है। पनीर डालते ही आप देख सकते हैं ये दूध जो है वो जल्दी से गाढ़ा होने लगा है। तो यहाँ पे आप गैस हाई ही रखें और इसे कंटिन्यूसली इसे चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से हमारा चिपक जाएगा। 3-4 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है और इसने दूध जो है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है और ये पैन से छूट भी रहा है और ऐसे इकट्ठा होने लगा है। इसका मतलब हमारा ये जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें हमने घी या बटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है क्योंकि दूध और पनीर में नेचुरली घी होता है, तो इसमें घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टील की कढ़ाई का यूज़ किया है, फिर भी ये इसमें नहीं चिपक रहा है क्योंकि इसमें नेचुरल घी होता है। तो अभी ये इकट्ठा होने लगा है, इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम गैस बंद करते हैं और इसे तुरंत ही हमें इसे ट्रांसफ़र करना है बटर पेपर की एक शीट पे। तो यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया है और इसमें बटर पेपर लगा के तुरंत ही हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। इसे हमें फटाफट कर लेना है क्योंकि ये जल्दी से जमने लगेगा। तो इसे हम अच्छे से फ्लैट कर लेंगे और इसे हमें थोड़ा सा गीला ही रखना है क्योंकि हमारा कलाकंद जो है वो एकदम सॉफ्ट ही बनेगा और वैसे ही हमें चाहिए। कलाकंद जो है वो एकदम सॉफ्ट ही रहता है, हमें इसे हार्ड नहीं बनाना है। कलाकंद जो है वो सॉफ्ट खाने में ही मज़ा है। तो इसके लिए हम ऊपर से इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर और ड्राई फ्रूट्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ेगा। और इसे ऐसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने इसमें डाले हैं गुलाब की पत्तियाँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये दिखने में भी बहुत ही परफेक्ट लगता है। तो आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और टेम्पटिंग लग रहा है, इसे देखकर ही खाने का मन कर रहा है। तो अब हम इसे रखेंगे
आधे घंटे के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए। इसे हमें फ्रिज में वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप ऐसे ही छोड़ दें आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। ये आधे घंटे के बाद अच्छे से सेट होगा। इसके बाद आप इसे नाइफ्स की हेल्प से अच्छे से कट कर ले, जैसे आपको शेप चाहिए वैसे। आप देख सकते हैं चाकू जो है वो कितना इजीली इसमें से निकल रहा है, इसका मतलब हमारा कलाकंद जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसे हम रखेंगे एक प्लेट पे, और बटर पेपर की हेल्प से ये बहुत ही इजी होता है। तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बना है, और ये कितना दानेदार भी है, एकदम परफेक्ट कलाकंद बना है हमारा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो यहाँ पे ये बहुत ही इजीली टूट रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और एकदम दानेदार। तो यहाँ पे हमारा झटपट बनने वाला कलाकंद बिल्कुल रेडी है, और आप देख सकते हैं हमने इसे सिर्फ 3 चीज़ों से बनाया है, और इसे बनने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ये फटाफट बन जाता है। तो आप इस त्यौहार के सीज़न में इस मीठी कलाकंद की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। और अभी त्यौहार का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो आप कोई भी त्यौहार में इसे बना सकते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही नए और मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।